बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ जी मैं ताजपीन के दस्तरखान के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आलू के स्नैक्स। आलू के स्नैक्स काफ़ी तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन एक तरीके को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। जी हमने आलू ले लिए हैं जिनको हमने बॉयल कर लिया है। पहले इनको अच्छी से मैश कर लेते हैं। अच्छी तरह आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब हम इनमें डालेंगे ये एक गाजर थी जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, और शिमला मिर्च बारीक बारीक कट कर ली है। बेहतरीन लुक के लिए ये इसमें शामिल करेंगे, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें हम डालेंगे ये 4 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। ये ज़्यादा तीखा नमक नहीं है, आप अपनी टेस्ट के इतबार से डाल लें। और 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। बेहतरीन टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आप हाथों से इसको मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसको जो भी शेप देना चाहते हैं, हम इसको बॉल वाली शेप देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल आपका बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो, ताकि आपके स्नैक्स जले नहीं, और मीडियम आंच होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इनको आपने ऐसे हिलाना है, बिल्कुल आपने ज़ोर से नहीं करना कि ताकि आपके ये स्नैक्स टूटे नहीं। इन्हें अच्छा सा कलर आने तक कुक करेंगे हम। अच्छा सा कलर आने तक आप इनको कुक करें। देखें इन पे कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जब आप इनको ऑयल में शामिल करें तो ऑयल आपका ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत तेज़ हो, ताकि आपके स्नैक्स जले नहीं। मीडियम ऑयल जब हो तो आप इनको फ्राई करें, और अच्छा कलर आने तक आप इनको फ्राई करते रहें। जब अच्छा गोल्डन सा कलर इन पर आ जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। इन पे अच्छा खूबसूरत कलर आ चुका है, अब हम इनको निकालेंगे। हमारे बेहतरीन से स्नैक्स तैयार हो चुके हैं, यकीनन ये आपको पसंद आए होंगे। आप इन्हें शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। आप लाजमी इन्हें ट्राई कीजिएगा। ये देखें किस कदर ये क्रिस्पी और मज़ेदार है, टेस्ट में भी ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आप लाजमी इन्हें ट्राई कीजिएगा। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।